मैंने तो बताइए माननीय मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री इंटरव्यू माननीय अध्यक्ष महोदय मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता प्रतिपक्ष के नेता ने जो प्रस्ताव लाया या तो ये तैयारी करके नहीं आए और या ये तना, ये तनाव में है या तनाव में है कि मदद केंद्र से मिली नहीं है बोल तो दिया मैंने ले करिए यहाँ कागज अगर कोई मदद मिली है तो ले करिए और मैं आपको एक चीज बताऊं आप बोल रहे हैं कि मीटिंग नहीं हुई हमारी मीटिंग्स पहले से ज्यादा हुई है 21 जून 2023 को पहली मीटिंग हुई हमारी जो मानसून सत्तर मानसून से पहले की मीटिंग होती है नहीं सुनिए 21 जून को नहीं की थी नहीं 21 जून को नहीं की थी प्रधान सचिव राजस्व की उसमें बैठक हुई और सभी बांध अधिकारी से लेकर सुरक्षा नियम सबको ले सब गए सब प्रकार की बैठक हुई और जो बरसात के पहले की जो बैठक है उसके बैठक हुई और जो सर्दी के मौसम में जो नवंबर की होगी वो नवंबर की एज रूटीन ही होगी पहली बात। दूसरी कृष्णानगर की बात कर रही है मैं इसीलिए कह रहा हूँ कृष्णा नगर में तकरीबन चौतीस पैंतीस परिवार थे हमारे लोकल एम एल ए हरीश जी वहां गए थे और पहले ही परिवारों को हमने खाली करवा दिया और जो दो दुर्घटना हुई पूरी बिल्डिंग खाली करवा दी और जो दो दुर्घटना हुई वो वो क्या हुआ कि वो पैसे लेने अंदर जा रहे थे पंजाब का एक आदमी खन्ना का था जो पैसे लेने के लिए दोबारा अगले दिन आया और पैसे लेने गया तब उस कारण उनकी मौत हुई मेरे मेरा मैं मैं आपको फैक्ट्स क्लियर करना चाह रहा हूँ उसको खाली करवा दिया था खाली करने के बाद उसको जब अगले दिन याद आई कि मेरे पैसे है तो दोनों आदमी जो वहां स्लाटर हाउस में जो कर्मचारी थे वो स्लॉटर हाउस के कर्मचारी के पूरे नौ बिल्डिंगों से पैंतीस परिवार निकाल लिए थे माननीय अध्यक्ष महोदय जो आपको फैक्ट्स दे रहे हैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता जी उनसे बोले कि कागज पूरे करके दीजिए तीसरी बात कि मदद की किस चीज की मदद की आप तो अपने समय का 315 करोड़ रुपया 315 करोड़ रुपया 21 बाईस का ये मुख्यमंत्री थे जो माननीय अध्यक्ष महोदय बजट में जो डिजास्टर का पैसा होता है वो भी हमारे राज्य के लिए नहीं होता वो जो हमारे टैक्सेस के शेयर होते हैं जीएसटी हो गया इनकम हो गया उसमें से एक भाग को भारत सरकार के केंद्रीय बजट में रखा जाता है उस भाग से पूरे राज्य के लोगों को आपदा के लिए स्पेशल नाइनटी टेन की ग्रांट मिलती है वो मुझे नहीं मिलती है हरियाणा को भी मिलेगी चंडीगढ़ को भी मिलेगी सब स्टेट्स को मिलती है यूनियन टेरिटरीज को मिलती है उसकी एक किस्त हमारी जुलाई में आई जुलाई में आपदा आ गई थी इसलिए जुलाई की 12, 11, 12 तारीख को किस्त आ गई उसके बाद जब हमने गृह मंत्री जी से बात की कि तकरीबन हमें 2000 करोड़ की इं इंटरिम रिलीफ दीजिए तो मैंने उनको बताया कि 315 करोड़ रुपए का हमारा एजी का ऑब्जेक्शन है जो हमने दूर किए उसमें से भी एक, आ, एक करोड़ आए एक करोड़ रुपया और आने के लिए हमारी कल परसों बात हो रही है और उसके बाद एक किश्त इन्होंने क्या किया एडवांस दे दी जो दिसंबर में अगर आपदा आएगी तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे वो हमको भी मिलती है सारी स्टेट्स को मिलती है वो दी अब ये फैक्ट्स लगा रहे ठीक है तीन बार गए आप, आपने प्रयास किया होगा लेकिन आप ये जो चीजें है ये तो वास्तविकता में आनी है स्पेशल रिलीफ पैकेज क्या हमको मिला केदारनाथ की तर्ज पर और इनके जो केंद्रीय सरकार के नियम है उसमें सड़क का क्या मिलता है एक लाख पच्चीस हजार रुपया मिलता है एक किलोमीटर का मैंने तो प्रधानमंत्री जी से गृह मंत्री जी से मिलकर यह अनुरोध भी किया हिमाचल में और जो हिल स्टेट्स है कि इस जो आपदा है इसको आप बढ़ाइए तो ये एक, एक लाख पच्चीस हजार से हमारे पहाड़ में तो कम से कम दो सौ करोड़ रुपया तो हमारे पीडब्ल्यू मिनिस्टर लैंड स्लाइड और रिटर्निंग वाल में कर चुके हैं दो सौ ढाई सौ करोड़ रुपया हमारे आई पी मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री जी कर चुके हैं खर्चा अपनी जेब से कर चुके हैं जाओ ये ऐसे नहीं चल रहा है पानी किसी एक गांव में एक आधे में रहा होगा तो ऐसे थोड़ी चल रहा है वो और रात दिन भागे दौड़ कर रहे हैं ये लोग और ये एक बात एक और एक और बात आपको बताना चाहूंगा मैं माननीय विपक्ष के नेता को ये बताना चाहता हूँ माननीय हमने आज आपसे ये प्रस्ताव लाया है आपका सिक्सटी सेवन भी सेवन भी जुड़ा है आप राष्ट्रीय आपदा का प्रस्ताव में हमारा साथ दीजिए हमारे साथ चलिए आप महर्जी हम कौन से बोल रहे हैं हमने तो हिमाचल के लोगों के लिए करना है और हमने जो सात तारीख से आप पहले पढ़ी है पंद्रह तारीख के बाद हमें नहीं पता था कि दूसरी आपदा तेरह अगस्त को आएगी हमने देखा कि सात से पंद्रह तारीख तक जो आपदा आई उसमें बहुत नुकसान हुआ हमने रिलीफ मैनुअल चेंज कर दिया केंद्र सरकार केंद्र सरकार क्या देती है रिलीफ मैनुअल में मैं वो बताना मैं बताना चाहता हूं क्योंकि आपने बात की है मैं आपके इसलिए नहीं 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 हमने सात से पंद्रह में बोला जिसका पार्शली डैमेज घर होगा सात से पंद्रह में हमें नहीं पता था कि तेरह अगस्त को द्वारा आपदा आएगी और पंद्रह तेरह से सतारा अलग आएगी और अठाईस अगस्त को द्वारा आएगी और अभी भी चलेगी हमने पार्शली घर को दस हजार से बढ़ाकर बीस गुना पांच हजार मिलता है केंद्र सरकार बीस गुना एक लाख रुपए किया और आपकी कंस्टिटी में भी आपकी कंस्टिटी में, में सबसे ज्यादा हमने वहां दिया दूसरी बात ये व्यवस्था परिवर्तन है अपने दोन की बात करें व्यवस्था दूसरी बात आपको बता रहा हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय अभी हम ये इंतजार कर रहे हैं हमें हमें चाहे सहायता मिले ना मिले लेकिन हिमाचल के जो भी आपदा परिवार प्रभावित है जिनका पूरा मकान टूट चुका है जिनका पार्शली मकान टूट चुका है इंदौरा और इंदौरा और हमारा फतेहपुर में जिनकी फसलें नष्ट हो चुकी है जिनके पशु धन को नुकसान पहुंचा है अन्य क्षेत्र और जिसके जिसके पास जगह है लेकिन घर बनाने के लिए वहां जगह नहीं है ये सब चीजों के लिए माननीय रेवेन्यू मिनिस्टर की पूरे हिमाचल प्रदेश में ये सात से पंद्रह का है जो हमारा रिलीफ पैकेज हमारे रेवेन्यू मिनिस्टर जगन नेगी जी बना रहे हैं उसमें आज तक जो हुआ है इस सदन में उस सब की भरपाई हिमाचल प्रदेश की सरकार करेगी सब लोग करेंगे और हम उस भरपाई में आपको यह भी बताना चाहते हैं अब केंद्र से उम्मीद रखते हैं और जयराम ठाकुर जी और उन पूरी टीम से भी जो विपक्ष के नेता तो उम्मीद रखते हैं अगर हमार को नहीं साथ ले जाना तो खुद ही चले जाओ अकेले नहीं जाओ। आला, आला। <laughs> खुद ही चले जाओ हमको नहीं साथ लेना खुद ही चले जाओ अब हमको तब भी है डरो मत अगर अधिकारों के लिए आप अपनी सरकार से डबल इंजन बोलते रहे डरोगे तो कैसे चलेगा डरना नहीं हौसला हमसे ले लेना चले आप खुद जाना <laughs> तो ये मैं आपसे चाहूंगा कि आप कुछ फैक्ट्स पर बोलिए अच्छी बात है नियम शासन के तहत पैसा हमने आपदा प्रभावित परिवारों को देना है और पक्के का घर के लिए भी उचित मुआवजा मिलेगा कच्चे घर में सिल्ट गुजी है उसको भी उचित मुआवजा मिलेगा और जिस फसल का नुकसान हुआ है अगर आप अभी हमें बताएंगे तो उनको भी उचित मुआवजा मिलेगा लेकिन थोड़ा साथ तो दो हमारा हमारा साथ तो दो राजनीति मत करो धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल डॉट केसरी